खरगोन जिले के ग्राम रावेरखेड़ी के ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गांव के 3 लोगों के खिलाफ शिकायती आवेदन पेश किया। हम आपको बता दें कि रावेरखेड़ी में बालू रेत की खदान है, जिसमें ग्रामीण अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे में गांव के श्याम सुनील और आत्माराम द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जा रहा था। इसी के मद्देनजर ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और उक्त लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग करके बताया कि ये 3 लोग बड़ी मात्रा में अवैध खनन करके ग्रामीणों को धमका रहे हैं, जिनके खिलाफ संबंधित थाने पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्यवाही करके सघन धाराओं के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत है, गांव में 3 अपराधी हैं, गुंडे जिला बदल, वो ग्रामीणों को परेशान करते हैं। उसके बाद ठेकेदार द्वारा उत्खनन किया जा रहा है, सावधानी जो बरसों से ठेका चल रहा है उसको जबरदस्ती बंद कराया जा रहा है। 1000 मजदूर गांव वालों का रोजगार छीना जा रहा है। वो नहीं है, साथ ही साथ वो 3 भाई है गुंडे, उनके द्वारा झूठी शिकायत कर ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है। क्या नाम है उनके? सुनील पिता महिमाराम, आत्माराम पिता तुकाराम, श्याम पिता आत्माराम। किस तरह का परेशान करते हैं आपको? क्या हो गया? किस तरह परेशान करते हैं? वो कारण ये है कि खुद माल घिसते हैं, लोगों की झूठी शिकायत करते हैं कि वो ट्रैक्टर वहाँ से भर रहा है, वो वहाँ से भर रहा है क्या। और खुद के घर परसों तहसीलदार साहब ये गए, 200 ट्राली का स्टॉक जब्त किया हुआ है, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम ग्रामीणों का कहना है कि गुंडों पे जिला बदल की कार्रवाई है, उनको जिला बदल किया जाए और गांव की परेशानी से दूर किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहनलाल पवार। कहाँ रहते हो? रावेरखेड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।